तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसने 2019 बैच के लिए नया रिक्रूटमेंट लॉन्च कर दिया है, जिसमें टोटल 74 पोस्ट हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने का है 21 नवंबर 2019। कमाल की बात यह है कि इस बैंक में जॉब करने में आपकी इस पोस्ट की सैलरी होगी लगभग 60,000 रुपये, यानी कि ये जॉब बहुत ही स्पेशल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है और इस बैंक में जॉब करना भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इसकी फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, वर्किंग लोड और वर्क इन्वायरमेंट और वर्किंग हावर भी बहुत अच्छा होता है। तो आज वीडियो में पूरी तरह से इस चीज को डिस्कस करेंगे कि इस पोस्ट को अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या पोस्ट है और किस किस पोस्ट की क्या क्या सैलरी है, सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नया रिक्रूटमेंट आया है 2019 बैच के लिए, जो कि है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट। अब बता देते हैं हम आपसे जॉब रोल के बारे में। तो जॉब रोल में आपके पास होना चाहिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जॉब रोल हो सकता है, सिक्योरिटी ऑफिसर का हो सकता है, या फिर अदर्स में भी कुछ जॉब रोल आपको नीचे दे दिए गए हैं। स्पेस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप सारी चीज़ों को चेकआउट भी कर सकते हो और इस पोस्ट को अप्लाई भी कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास, बीई है, बीटेक है, एमसीए है, एमबीए है, या फिर एमएससी, सीए, डिप्लोमा या फिर कोई भी यानी डिग्री है, तो आप उस डिग्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर 74 दिया गया है। एक्सपीरियंस जो है वो भी फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस्ड को यहाँ पर लिया जा रहा है। सैलरी की बात करें तो सैलरी हमने आपसे बताया था कि लगभग 60,000 रुपये है, जो कि स्टार्टिंग बेस से सैलरी की 23,700 रुपये और लास्ट बेसिस की 59,270 रुपीज पर मंथ। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन जो है क्रॉस इंडिया में, यानी कि इंडिया में कहीं भी सेंट्रल बैंक में आपकी जॉब लग सकती है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो है 21 नवंबर 2019। बात करते हैं थोड़ी डिटेल में एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस की है कि अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए, जो कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप उस पर जा करके लिंक पर क्लिक करिए और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस करिए, डिटेल में चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में हम अगर आपको बताएंगे एक एक पोस्ट को तो हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, जिससे आप बोर हो सकते हो। तो हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट उन्होंने दिया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 21 to 28 ईयर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 26 to 45 ईयर्स, रिस्क मैनेजर थर्ड के लिए 21 to 35 ईयर्स। इसी तरह से सारे यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट आपको दी गई है। एज रिलैक्सेशन भी आपको कुछ मिल जाएगा एज पर योर क्राइटेरिया। पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सबसे ज़्यादा पोस्ट है, टोटल है 26 पोस्ट। सिक्योरिटी ऑफिसर थर्ड के लिए 1 पोस्ट, सिक्योरिटी ऑफिसर फर्स्ट के लिए 9 पोस्ट। इस तरह से सारे पोस्ट आपको दिए गए हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू चेकआउट कर सकते हो। पे स्केल की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर फर्स्ट के लिए यहाँ पर 23,700 से 42,020 रुपये है। तो आप सारे चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो कि किस किस पोस्ट की क्या क्या सैलरी हो सकती है। बात करते हैं टेस्ट के बारे में, तो टेस्ट में आपके पास टोटल होंगे 100 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिया गया है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो टेस्ट के बारे में आप डीपली डिस्कस करने के लिए अगर हम नया वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम स्पेशली टेस्ट के रिलेटेड वीडियो में आपको कुछ टिप एंड टिक्स बताएंगे और बता देंगे कि एग्जाम में होता कैसा है, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इसी रिलेटेड सारी बातें हम बता देंगे। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करना है, जिसके थ्रू हम नया वीडियो आपके लिए ला सके। तो बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी में एससीएन एसटी कैंडिडेट के लिए 50 रुपये का इंटीमेशन चार्जेस दिया गया है, साथ ही में अदर कैंडिडेट के लिए 550 रुपये एप्लीकेशन फी प्लस इंटीमेशन चार्जेस दिया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने का है 21 नवंबर 2019 और ये जो डेट है ओपन हो गया है 30 अक्टूबर 2019 से। डाउनलोडिंग कॉल लेटर का जो डेट है वो है 11 दिसंबर 2019, मतलब कि तब तक डाउनलोडिंग का आप कर सकते हो अपने कॉल लेटर को। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है 21 दिसंबर 2019, तो इस डेट के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्पेस के दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर को यहाँ क्लिक करके अप्लाई करना है। फॉर मोर डिटेल्स एंड अप्लाई क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के रिक्रूटमेंट को, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो आई थिंक आप सारे प्रोसेस को समझ गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो 2 मिनट टाइम निकाल के इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। We'll be right back.